भाई यार पैसे पूछा वाला कोई नहीं है, चार गिलास का उन्होंने बोल दिया वो लेके आ रहा है और कह रहा है कि पैसे तो मैं बात है उसको मेरे का बहन कोई नहीं भाई भी मंगाया पर फला भी ले आऊँ भाई। हाँ जी भाई नहीं है पैसे नहीं भाई, पैसे मुझे कोई नहीं है और इसके बाद पैसे नहीं मुझे मेरे का जा लेके पैसे एक गिलास के पैसे ये सर भाई पैसे भाई इसके मैंने एक कहने में पिलाया था इसको सबको पिलाया था भाई। पैसे तो भाई पैसे हो ना वो पिलाओ आप दिल खुश करो है अमर भाई। आप क्या करना फिर क्या किया जाए आपको पी लिए वापस भी कैसे मुझे तो पता नहीं पैसे मुझे लगा आएंगे जे मेरे गिले के दे पैसे तो पहले दे के बात करनी थी ना मैं लगा होंगे यार उम्र में तू हाथ तो पैसे करता दलील करवा के तब किसी ने कहा भाई जब पैसे नहीं बंदा क्या करे क्या कह रहे इसके तो कैमरा मारी मैं क्या करवाता हूँ दलील दलील करवा के तब फिर तू किधर करवाया हमारे टुकड़ों में पालने वाले मैं पहले सुना रहे हमारे टुकड़ों में बेटे अल्लाह का शुक्र अपने घर से खाते हैं मुझे बनाना था पिला दी इनसे मांग पैसे भाई मैं क्यों मांगूं भाई ये पैसे नहीं निकले जैसे मैं तो भाई तुझे पहले तूने देख के कहने थे ना कि मैं ये नहीं है मेरे पास चाबी तो दे भाई क्या मुझे माथे से खुद ही ले लेगा भाई ये तो बात नहीं हुई भाई तुमने कहा था मैं पैसे दूंगा ऊपर के मैं उनको कहां से दूंगा यार तू कर ले बाजू कर ले मारे मल्ले की दुकान होती तो फिर भी कर लेते मारा मल्ला किधर और ये किधर है बात तो कर ले तेरा तल्लक नहीं चलता और कहां से मानेंगे वो बात पापा से बात करवा देने की तो पापा कहेंगे तू लेने गया ये एकेडमी का 5 मिनट पहले पैसे आगे से गिर गए वो कहेंगे तू लेने गया क्या उधर जूस पीने गए और क्या करने हैं मैंने कहा पैसे नहीं ना थे मैंने कहा चलो आज मैं भी ला देता हूं तू इधर खड़ा हो चाबी मशीन का ले बाकी चाबी दे तेरे घर से पैसे लेके चल ले होंडा बंड फिर चाबी पकड़ ले पुराने के पीछे तो खड़ा कर ले नहीं मैं जान नहीं खड़ा होना छोड़ के जो जान को मेरे पास नहीं जान कोई भाई सच में लग से वापस आएंगे मैं इधर ही होता रहा भाई मैंने जाना एकेडमी तुम दोनों वापस आ जाना एकेडमी भाई मैं एकेडमी चल जाऊंगा मेरा टाइम हो रहा है मेरा भी टाइम हो रहा है मेरा 4 बजे का टाइम है भाई तूने आगे जाना है मैंने मैंने सामने जाना है मैंने यार मैं आऊंगा सच में मैं आऊंगा नहीं भाई और जब पैसे से घर से नहीं तो मैं वापस आऊंगा पागल मैं ना भाई ना वापिस आ रहा है अच्छा मैं नहीं उतर रहा मैंने जाना एकेडमी भाई तबीयत मेरी फुल खराब हुई बड़ी इसलिए आवाज निकल रहा बोल रहा मामला सुनिए ना गाइस सोची पड़ के अब क्या करना है क्या करना करो कुछ तू उसको बाद पकड़ा गया उसको होगा पता कि भाई ये सीन है हम ले आते हैं वैसे लाके और हमने मिलना है एक दूसरे को हम ले आएंगे भाई क्या होगी भाई पैसों की बात नहीं है टाइम नहीं है मैंने इसको पहले भी कहा भाई अब क्या हो रहा है अच्छा अब क्या हो रहा है मैंने से उसी टाइम कहा मेरे पास एक बंदे के पैसे हैं तो मैं भी पिला दूंगा पैसे मैं ठीक है उनके पैसे अब ऐसे एक्टिंग करा घर जाएगा ऐसे ऐसे करेगा मम्मा भी मम्मा फिर क्या करना अब तो आप क्या करने यहाँ खड़े टाइम हो रहा है हल तो नहीं निकल रहा यहाँ खड़े हो असन ना फेकर से पकड़ ला यार उसने ना फेकर से पकड़ ला दोनों फेकर से पकड़ पागल है उसकी मम्मी को पता है हमें बोलती रहती है यार तूने ना फेकर से बात करनी है उसकी मम्मा को बस सुन जाना है नहीं पागल ये साथ जाएगा तो हमें कुटने लग जाएगा तो हम तो चले ना फिर यार ये इस दूसरी होने की चाबी है मेरे पास दूसरा होंडा ही नहीं है नया वाला खोल लेते हैं चला तू मैं चल रिक्शे में जाके चला अब वहां से घर जाके पैसे ले ऐसे ले इसके पैदल ले यार यार दे दो मौत ही है आपके पास है होते तो मैं उससे मिला देता था टाइम लाइन बनने पर भैया हम कितनी देर घूमे बाहर आया मेरी आंखें पैसे हो तो
जूस पी लेते हम लोग वगैरह, बल्कि मैंने दो तीन दफा देखे भी है, पैसे नहीं थे, मैंने कहा भी है मैडम वैसे ही लगा के चक्कर लगा के वापस आ गया, वरना हमारा बिल ना का जब भी हम जाते हैं पी के आते हैं। ठीक है मैडम, मैं नहीं जा रहा भाई, वैसे बस पास करा पास करा थोड़ा पीछे बाद में जाके मुझे फसवा दे के भाई से पैसे कटाओ ना, मैं नहीं जा रहा भाई। जब तुझे फसा नहीं सकता जब उन्होंने जोश से पक रहे हैं, कैसे फसाएगा तेरे, तू जा वैसे ही थोड़े दूर खड़ा जिसके, फिर ये कि कहेगा यार आपको लग जाते हैं जो भी सीन हो भाई, अंकल जी सच में हमारा घर इधर ही है, राफे घर का ड्रेस ना तू बात कर ली मोले होना भाई, जूस पे आ गए थे जैसे आपने उन्होंने देखा, पैसे मुझे कोई नहीं थे, अब वो गया सामने पता नहीं क्या बात करने के लिए, वो देखे वो खड़ा हुआ हसन गोल्डी थोड़ी सी खड़ा हुआ जैन पीछे, तो पता नहीं क्या बातचीत होनी है इनकी उनके साथ, पता नहीं क्या कहने गया उसने, हमें कह दी थी अब पता नहीं तले हमने माने गया, हम तो कह रहे थे हम जाके ले आते हैं तेरे घर से, मगर ये कह रहा था कि नहीं 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 तुम लोग क्या बोलते वो गया है वो गया है वो पैसे दे रहा है, पैसे बने हैं हमारे भी 240 बन गए और सिर्फ 80 रुपये है, फोन क्या कह रहा है वो घर है और कैमरा इसलिए ऑन किया है शायद उसको लगे कि कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है और पैसे मुझे माफ़ कर दे शायद भाई पता नहीं क्या सीन हो रहा है, और हम मैंने कहा मैं इसलिए ऑन किया था कि उनको लगे कि रिकॉर्डिंग छोड़ी हो रही है शायद पैसे मुझे माफ़ हो जाए एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ जी जैन साहब क्या सीन है, अपने पास फिर पैसा हो गई नहीं है वो पता नहीं चले चले मान गया पैसे देख रहा है वो बंदा गोर गोर से देख रहा है हमें पता नहीं हम क्या कहते हैं वो सामने भाई खराब है वो पता नहीं अब भाई उसने अपना होलिया देख तू तू चंगा भला मील लग रहा तू इधर आइसक्रीम खा रहा है भैया बस भाई तो कह के गए 10 मिनट का टाइम दिया उसने मैंने झूठ बोला कि मेरा होलिया देख कि चंगा भला भाई उसको भूल ले। हां जैन क्या कह रहा था वो ये सुबह गया बंदे के पास पहले पैसे कितने लगे कैमल दिखाओ यार वो हां यार आप क्या दिखाओ बड़ी खूबसूरत है हमारे पे ये काफी देर से यहां पे वो ऑयल का सीन है भाई ये ना गया पहले पैसे गिरने लग गए मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया तो फिर आगे नंबर हाँ पैसे गिरने लग गया तो ना एक बंदा था वो फ्री हुआ अंकल ने पैसे जैसे दिए तो फ्री हो रहा बारी आ गई इसकी अंकल ने लॉकर खोला था जी अंकल कहते हाँ बेटा कितने पैसे हुए कितने गिलास में कहता अंकल जी 3 पे हैं ये पैसे ले लें 80 रुपये पहले गिनने लग गया था 20 करके ना 80 रुपये अंकल को उड़ा दी आगे से अंकल कहते बेटा आप जो 3 गिलास थे तो आगे 80 रुपये दिए बाकी पैसे कहता हूँ अंकल ये जेब देख ले मेरी ये ट्राउजर पैसे गिर गए मेरे कहता ये जेब भी तो ऐसी अंकल जी पैसे गिर गए अब पहले वाला अंकल था ना उसने भेज दिया दूसरे के पास अब ये जनाब का उधर तो नहीं गया बोल अब ये जनाब से हम चले गए दूसरे के पास दूसरे जनाब तक इस्लाम को वहाँ पे पैसे गिनना दोबारा शुरू हो गया अंकल कहते बेटा कितने गिलास कहता 3 अंकल कहते बेटा 3 ही है पैसे बाकी कितना कहते पैसे तो नहीं है जेब से गिर गए अंकल के दूसरे लंगे के जाओ बेटा फिर पहले वाले के पास जाओ आगे से कहता अंकल जी उन्होंने तो आपके पास भेजा हसन भैया आप कुछ बोले अब हसन भाई के घर जाते हैं हसन भाई पैसे लेते हैं हसन भाई आएंगे देने के लिए भाई इस बंदे को इतना कम लगा ये हेडलाइट में बैठ गया अभी आगे हुए हैं फिर हेडलाइट में बैठ गया आगे हुए बैठे तुम्हें कुछ बोलना नहीं बोलना भाई तुम्हें कुछ भी क्या करते
पहले कैर भी जाएंगे वही है क्या बात हुई पागल है तू पागल है क्या पैसे मैं देखा भी था आगे मैं खुद ही दे दूंगा कैसे दे देगा तू खुद ही आके मैंने बात की है मैं खुद ही दे अच्छा बोल दे जा बहुत दे जा रे फिर भाई पैसे तो ले जा उस बंदे हां जी जैन भी ये क्या सीन है ये तो कोई वापस चला गया यार वो गरीब बंदे का हक मार रहा है यार ये तो गलत है ज्यादा ली ज्यादती है वैसे ये ना अभी पैसे इसने जाने से कैर से पैसे लेके आते हैं और अब शादी कह रहे हैं कि पैसे का एकेडमी का ये बनाया ये पढ़ने वाला भाई इसने 100 पीस देने हैं एक चीज वाले के लिए अभी आपको पीछे जो चीज दुकान गए ना उसके पैसे देने हैं अभी तक उसकी नहीं दिए तो इसके कैसे देगा एक हफ्ता हो गया एक हफ्ता हो चुका है उसके भी कौन कह रहा शाम को देगा क्या पता ये 100 रुपए जोड़ा हो उसके लिए जब उसके एलम के अंदर डाले थे नहीं ये बंदा ऐसा है कि हम ले गए परचम नहीं नहीं वो जो सी पर दिए थे वो कौन से थे उम्र वो जो कह रहा था कि वापस दे दे मैंने चीज़ करनी है ये बैनर बुलाने के देंगे हाँ भाई इससे इससे पैसे लिए हैं और इसने शाम को वापस ले लिए कि भाई चीज़ करनी है भूख लगी भाई हम साहब ने तो फिर भी जितने हो सकते हैं तो दिए पैसे उन्होंने फिर 80 रुपये दे के वापस ले लिए चलो भाई जाके खुद देगा मेरे लगे इसका हिसाब होगा क्या मत कितने हिसाब होगा इसका और अपनी बारी और भाई अपनी बारी ये इस तरह रूप में आते हैं मतलब उनके की पहन ले पांच जेब बाहर निकाल के भाई पैसे गिनने लगते हैं हां जी भाई ये पैसे काम है भाई दूसरे पास जाओ भाई पैसे काम है भाई पहले लेके पास जाओ पहले तो आगे बाद में जाए चलो जाके देगा पूरी भैया को हमें उसका मैटर है हमारा कोई नहीं